देखिएगा इस चीज के लिए. सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. जब हम बात करते हैं कि देयर इज फोर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे कि नो म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन एंड साइलेंट म्यूटेशन. नो म्यूटेशन का मतलब होता है कोई भी चेंजेस ही नहीं हुआ है, ठीक है. जैसे कि देखिएगा ये क्या है, mRNA UCA, DNA यहाँ पे इस तरीके से था, ठीक है. कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ, वाइल्ड टाइप प्रोटीन आपका प्रोड्यूस हो गया. जब उसके बाद मिससेंस, मिस सेंस का मतलब जो है कि आपका नेचर जो है न्यू कोडॉन इनकोडेड डिफरेंट अमीनोसिड, देयर इज अ चेंज इन अमीनोसिड सीक्वेंस, मिस सेंस कर दिया. दैट इज TTA था, यहाँ पे टी और ए का चेंजेस हुआ और UUA बना. देखिए UCA से UUA बना और ये बना दिया ल्यूसीन नाउ. तो ये मिस सेंस, दूसरा अमीनोसिड कोड कर दिया, अमीनोसिड सीक्वेंस को बदल दिया. नॉन सेंस का मतलब ये होता है कि ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टॉप कोडन बना दे. UCUUA तक तो ठीक था, UAA होते ही ये स्टॉप कोडाउन हो गया. स्टॉप कोडाउन हो जाएगा तो दिस इज स्टॉप नॉनसेंस, स्टॉप करो नॉनसेंस, ठीक है. स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, आप लोग जो है ये नॉनसेंस करना बंद करिए. ये समझ में आ रहा है, मतलब प्रोटीन भी यही कहेगा नॉनसेंस आ गया तो हम बंद कर देंगे. साइलेंट म्यूटेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं, देयर इज नो चेंज इन द थिंग्स. म्यूटेशन तो होगा लेकिन अमीनो एसिड में चेंज नहीं होगा. द अमीनो एसिड चेंज द सेम अमीनोसिड, दैट इज द साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन. और एक होता है न्यूट्रल म्यूटेशन. न्यूट्रल में क्या होता है, अमीनो एसिड का नेचर चेंज नहीं होता. मतलब कुछ ऐसा म्यूटेशन जो सेरीन की जगह थ्रियोनिन कर दे तो वो हो जाता है न्यूट्रल म्यूटेशन, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, नो म्यूटेशन, मिससेंस, नॉनसेंस, साइलेंट. चार पांच म्यूटेशन है, उन्हीं चीजों को ध्यान रखना है भाई. अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारा का सारा पंगा क्लियर है, कौन से म्यूटेशंस है देखना. इसके अलावा बहुत अलग अलग म्यूटेशंस होते हैं, बट इट्स अ वेरी सिंपल कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो कौन कौन से म्यूटेशंस होते हैं. देखिएगा कि ये है कुछ म्यूटेशन. साइलेंट म्यूटेशन, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन नहीं, एक्स वाई जेड है, अमीनो एसिड सेम अमीनो एसिड. न्यूट्रल म्यूटेशन का मतलब ये है, न्यूट्रल म्यूटेशन दैट सीज नेचर डज नॉट चेंज. नेचर जो है चेंज नहीं होगा, अमीनो एसिड चेंज हो सकता है लेकिन नेचर नहीं होगा. जब मान लो एक्स वाई जेड एक बेसिक अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर रहा था, दैट इज हिस्टिडीन, आफ्टर द म्यूटेशन इट इज सिंथेसाइजिंग आर्जिनिन. नेचर इज बेसिक फॉर दोज, दैट इज द न्यूट्रल म्यूटेशन. मिससेंस म्यूटेशन, डिफरेंट अमीनो एसिड विल बी देयर, नेचर विल बी चेंज. नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, नेचर जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, वो जो है चेंज हो जाएंगे. तो दिस इज नेचर विल बी चेंज. जैसे सिकल सेल एनीमिया में अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहले जो होता था वो ग्लूटामेट होता था, म्यूटेशन होने के बाद वैलिन. ग्लूटामेट इज एसिडिक अमीनो एसिड एंड वैलिन इज नॉन पोलर या अनचार्ज्ड अमीनो एसिड. ये नेचर होने की वजह से, हाइड्रोफोबिक होने की वजह से, आरबीसी का शेप जो पहले सर्कुलर होता था वो वाटर से खुद को बचाने लगेगा और बचाने के लिए वो सिकल शेप में चला जाएगा. कैसा चला जाएगा, सिकल शेप में चला जाएगा. सो ये चीज होती है इस केस में. तो एक होता है नॉनसेंस, जहां पे स्टॉप कोडॉन की तरह काम करने लगेगा, हिस्टिडीन पहले सिंथेसाइज कर रहा था अब वो स्टॉप कोडॉन की तरह काम कर रहा है. सो देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन, जिसमें ये चार म्यूटेशन कॉमन होते हैं. पहला साइलेंट नो चेंज, दूसरा न्यूट्रल नेचर विल नॉट चेंज, मिससेंस अलग बना देगा, और फोर्थ जो हो जाएगा नॉनसेंस, स्टॉप करो भाई, ठीक है. ये कुछ म्यूटेशंस होते हैं. इसके अलावा अलग अलग कुछ डेफिनेशंस कुछ म्यूटेशंस के होते हैं. जैसे आपको पता है दैट ट्रांजिशन म्यूटेशंस, ट्रांसवर्जन म्यूटेशंस, इंसर्शन म्यूटेशंस, डिलीशन म्यूटेशंस, फ्रेम शिफ्ट इज देयर. इसके साथ साथ फॉरवर्ड म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन, ये चीजें क्या है चलिए देखते हैं, ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि बहुत सिंपल सा फंडा है. पहले बात करते हैं कि देखिएगा मान लीजिए कि एडिनिन जो है वो कन्वर्ट हो गया, एडिनिन जो है वो कन्वर्ट हो गया गुआनिन में. ये एडिनिन जो है वो कन्वर्ट हो गया गुआनिन में और कुछ ये म्यूटेशन कहलाएगा फॉरवर्ड म्यूटेशन. क्या है ये है फॉरवर्ड म्यूटेशन. अगर किसी सर्कमस्टेंसेस से गुआनिन वापस से एडिनिन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा दैट पहला है फॉरवर्ड, तो दूसरा है रिवर्स म्यूटेशन.
रिवर्स म्यूटेशन कॉज करने के लिए क्या करते हैं हम कि हम सेम म्यूटाजन क्रिएट करते हैं। अगर जो म्यूटाजन यहाँ पे इसके लिए पाया जाता है इस कन्वर्जन के लिए, द सेम म्यूटाजन फॉर द अगर हम उसको प्रोवाइड करें तो वो रिवर्स म्यूटेशन भी कॉज कर सकता है। रेट या जो प्रोबेबिलिटी होती है कम जरूर होती है, लेकिन दैट कैन कॉज दिस वन। ठीक है, इसके बाद आते हैं दैट ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन म्यूटेशन के ऊपर जब हम बात करेंगे, व्हाट इज ट्रांजिट करना। ट्रांजिट करने का मतलब प्यूरीन जो है वो प्यूरीन में ट्रांजिट कर सकता है और पिरिमिडीन जो है वो पिरिमिडीन में ट्रांजिट कर सकते हैं। नाउ प्यूरीन पिरिमिडीन बायोकेमिस्ट्री में बताया गया था, प्यूरीन बेसिस जिसको कि हम पीयू भी लिखते हैं, ये होते हैं एडिनिन एंड गुआनिन। एंड पिरिमिडीन जो होता है ये आपको लिखा जाता है नॉर्मली पी वाई आर के केसेस में, ये होते हैं साइटोसिन थायमिन एंड यूरासिन। जनरली डीएनए के केस में म्यूटेशन है तो साइटोसिन और थायमिन रखेंगे, आरएनए नहीं कंसीडर कर रहे होते। जीन म्यूटेशन की बात करते हैं तो डीएनए होता है, जनरली नॉट ऑलवेज। सो जब एडिनिन आपके गुआनिन में चेंज हो या गुआनिन आपके एडिनिन में चेंज हो, सो दिस इज प्यूरीन, मतलब दिस इज ट्रांजिशन। या आपका साइटोसिन थायमिन में चेंज हो या आपका थायमिन साइटोसिन में हो, ये क्या है, ये है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को कभी कभी इस तरीके से भी बात की जाती है, ठीक है, नॉर्मली कि प्यूर ट्रांजिशन के केसेस में आप क्या कर रहे हैं कि प्यूरीन टू प्यूरीन हो रहा है, ए टू जी, जी टू सी। ठीक है, तो अब देखिएगा कि कभी कभी दो बेसिस सिक्वेंसेस पर ट्रांजिशन कैसे लिखते हैं। जैसे अगर हमें एक साथ करना हो तो वो कैसा होगा, ए टी जी सी, या इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है दैट वी कैन राइट एज, देखिएगा कि मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर शुड बी लाइक, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं सी जी टी ए। दैट मीन्स पहला अमीनो एसिड जहां पे है उसी का पहला दूसरे साइड का भी होगा, ये इससे चेक करना होता है, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से। अगर ये प्यूरिन टू प्यूरिन और पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन है तो वी से इट इज अ ट्रांजिशन, हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। अगर ये आपका पहला पहला देखिए ट्रांजिशन है और ये भी ट्रांजिशन है तो वी से इट इज अ ट्रांजिशन। सो ये है ट्रांजिशन के केसेस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज द ट्रांसवर्जन। ठीक है, अगर हम ट्रांसवर्जन के केसेस के ऊपर बात करें तो ट्रांसवर्जन इज वेरी डिफरेंट। लाइक इसमें जो है बहुत ही सिंपल सी चीज आती है कि दैट प्यूरीन, जो प्यूरीन है वो पिरिमिडीन में चेंज हो सकता है या पिरिमिडीन जो है वो प्यूरीन में चेंज हो सकता है, मतलब ए और जी कैन बी चेंज टू द सी और टी। ठीक है, ये इनमें चेंज हो सकते हैं। सो अब ये है ट्रांसवर्जन, मतलब जब ए जो है आपके चेंज हो रहा है सी और टी में तो ट्रांसवर्जन, जी अगर चेंज हो रहा है सी और टी में तो ट्रांसवर्जन, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये है ट्रांजिशन, सॉरी ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन जो होते हैं इस सब चीजों में बहुत रेयरली, वेरी फ्यू म्यूटाजेन, ध्यान देना वेरी फ्यू म्यूटाजेन जो होते हैं वो कॉज करते हैं ट्रांसवर्जन के लिए, वेरी फ्यू म्यूटाजेन कॉजेस द ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन के लिए बहुत कम म्यूटाजेन जो होते वो हो जाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। व्हाट इज लाइक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट का मतलब पूरे के पूरे फ्रेम को शिफ्ट कर देगा, ओपन रीडिंग फ्रेम को शिफ्ट कर देगा। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि व्हाट इज लाइक, ये चीजें देखिएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में देयर इज लाइक इंसर्शन एंड देयर इज अ डिलीशन। ठीक है, इंसर्शन का मतलब एड एड करना, एडिशन, और डिलीशन का मतलब है रिमूव करना। तो इस चीज को समझने के लिए ध्यान देने की कोशिश करिएगा, जस्ट सपोज लेट मी राइट द थिंग ए टी जी सी टी ए जी सी टी, मैं एक रैंडम सीक्वेंस लिखा हूं, इस रैंडम सीक्वेंस में जरा सा ओपन रीडिंग फ्रेम चेक करते हैं। देखिएगा ओपन रीडिंग फ्रेम तीन तरीके से होता है, ये पहला दूसरा और तीसरा, शुरुआत यहीं से करेंगे, चौथे से करने जाएंगे तो पहले वाले की कॉपी हो जाएगी। ओपन रीडिंग फ्रेम में देखिएगा, इससे कॉपी करेंगे तो एक रीडिंग फ्रेम ये 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 कितने बने, इसमें आप देखेंगे पहले ओपन रीडिंग फ्रेम से तो ए टी जी बनेगा, उसके बाद दिस लाइक ए टी जी
ठीक, उसके बाद बनेगा सी सी टी ए जी टी एन सी टी ए, ये तीन ऐसे ओपन रीडिंग फ्रेम से कोडॉन बने, क्योंकि हमें क्या होता है तीन कोडॉन की भाषा लर्न करनी होती है, तीन कोडॉन्स होते हैं, तीन बेस पेयर का कोडॉन बनता है, ठीक है, थ्री बेस पेयर जो होते हैं वो कोडॉन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरे की भाषा पढ़िए, दूसरे बेस पेयर से शुरू करिए, टी जी सी, उसके बाद सी टी ए, फिर जी टी सी एंड टी ए, यहां पे करेंगे तो दिस वुड बी लाइक टी जी सी, टी जी सी, टी जी सी आ गया, सी टी ए आ जाएगा और जी टी सी आएगा, बाद में टी ए बचेगा, ये हो जाएगा दूसरा वन। तीसरे को शुरू करिए तो जी सी सी यहां से शुरू होगा, जी सी सी, ये जी सी सी, देन देयर शुड बी लाइक टी ए जी टी सी टी, दैट इज जी सी सी टी ए जी, ये है तीसरा वाला जो मैंने आपको बताया, ये है फर्स्ट वन और ये है सेकेंड वन, सो टी ए जी दैट टी सी टी एंड ए। अगर फोर्थ से शुरू करोगे तो फोर्थ वाला सी सी टी आएगा, देखो फोर्थ से शुरू करोगे तो यहां से आएगा सी सी टी, और सी सी टी आपके पहले में ही है तो यहीं से शुरू हो जाएगा, इसीलिए पहला दूसरा और तीसरा, यही चीज होता है जो इस तरीके की चीजें चलती हैं ओपन रीडिंग फ्रेम में, ये आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो तीन ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं, ओ आर एफ जो पाया जाता है, देयर इज थ्री ओपन रीडिंग फ्रेम, और फ्रेम शिफ्ट कैसे करेगा, मान लो हम एक बेस को मान के चलते हैं दैट इज ए टी जी, ठीक है, इसमें एक इंक्लूड किया हमने दिस लाइक फोर्थ पोजिशन पे ए को, तो सिक्वेंस वुड बी लाइक नाउ, दिस सिक्वेंस वुड बी लाइक ए टी जी सी सी टी ए जी टी सी टी ए, बीच में हमने क्या इनकॉर्पोरेट किया ए को, किस पे, फोर्थ पोजीशन पे। अब आपका देखिएगा चीजें कैसे चलेंगी, नॉर्मल अगर पेयरिंग करें, अब देखिएगा फ्रेम उससे पहले तक तो ठीक था, ए टी जी तो मिला, इसके बाद ए सी सी टी ए जी टी सी टी, मतलब आपने देखा क्या कि जब ये पहले ए टी जी, मतलब ये वाला हिस्सा किस, जहां पे आपने फ्रेम को कोई भी बेस को इंसर्ट किया, इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, ठीक है, और इसके नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। सो आप देखेंगे कि ये कोड पूरे के पूरे जो है वो चेंज हो गए, किसके, ये पूरे के पूरे कोड जो है वो चेंज हो गए, दैट इज लाइक ये जो है आपका डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम चेंज हुआ या डाउन स्ट्रीम। सो जहां पे भी बेस इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, डाउन स्ट्रीम बेसिस या डाउन स्ट्रीम कोडॉन्स, या डाउन, अगर कोडॉन चेंज होंगे तो डाउन स्ट्रीम अमीनो एसिड जो होंगे वो अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज लाइक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहाँ पे ये चल रहा है, इसमें इंसर्शन करिए या डिलीशन करिए बात एक ही है, मैंने इंसर्ट करके बताया, डिलीशन करके भी वही केस होगा, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें जो आपको बताया जा चुके हैं इन्हीं के ऊपर बात करते हैं, देयर इज लाइक जीन म्यूटेशंस, देयर इज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, कुछ चीजों के ऊपर बात करते हैं, कुछ केसेस देख लेते हैं। म्यूटेशन का मतलब है सडन हेरिटेबल चेंजेस, टर्म इज कॉइन्ड बाय द ह्यूगो डेब्रिस, दैट म्यूटेशन इज लाइक स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, म्यूटेशन कैन बी स्पॉन्टेनियस कैन बी इंड्यूस्ड, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रिप्लिकेशनल एरर्स, स्पॉन्टेनियस यहाँ पे चल रहा है रिप्लिकेशन एरर हो गया स्पॉन्टेनियस में, या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एरर में पॉइंट म्यूटेशन, जैसे ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ट्रांजिशन में क्या होगा कि प्यूरिन टू प्यूरिन होगा एंड पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन, जबकि ट्रांसवर्जन में प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन में कन्वर्ट हो सकता है और पिरिमिडिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट में डिलीशन और एडिशन हो सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस लेजन्स में दे आर डी अमिनेशन, डी प्यूरिनेशन, डी पिरिमिडिनेशन, अमिनेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अगर डी अमिनेशन, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, एडिनिन का अमिनेशन करेंगे तो हाइपोजेंथिन, गुआनिन का करेंगे तो जैंथिन, साइटोसिन का करेंगे तो यूरेसिल, 5-मिथाइल साइटोसिन का करेंगे तो थायमिन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो नीचे आपके लिए नोट्स में तो वैसे मिल जाएगा, 5-मिथाइल साइटोसिन का करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा थायमिन, और सिर्फ साइटोसिन का करेंगे तो ये बनाएगा यूरेसिल, ठीक है, ये जो है आपका केस है जो आपको छुप रहा होगा शायद, ठीक है। गुआनिन का क्या होगा, जंथिन, एडिनिन का हाइपोजंथिन। सो दीज आर द केसेस जो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं म्यूटेशंस के। इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, कुछ केमिकल म्यूटेशंस होते हैं जो म्यूटाजन कॉज करते हैं, इनमें कुछ फिजिकल म्यूटाजन होते हैं, कुछ केमिकल म्यूटाजन होते हैं, और यूवी रे क्या करेगा, थाइमिडीन डाइमर फॉर्म करेगा,
यूवी रे थायमिडिन डाइमर फॉर्म करेगा। बेस एनालॉग के ऊपर बात करते हैं तो 5 ब्रोमो यूरेसिल एंड 5 अमीनो प्यूरिन है। ब्रोमो यूरेसिल एनालॉग ऑफ थायमिन है, ये क्या करता है, ये भी एटीजीसी ट्रांजिशन करते हैं, और 5 अमीनो प्यूरिन जो कि एनालॉग ऑफ ए है एडिनिन का है, वो भी क्या करता है, ये भी एटीजीसी ट्रांजिशन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की चीजें आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है जितने भी बेस एनालॉग है वो एटीजीसी ट्रांजिशन करते हैं, ध्यान रखना। बेस मॉडिफायर्स में दो को याद रखना है, एक है एमएमएस को और एक है एचएनएट, एक है आपके हाइड्रोक्सिल अमीन को। एमएमएस और हाइड्रोक्सिल अमीन जीसी ट्रांजिशन करते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना तो ये क्या करते हैं कि ये आपके जीसी ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज द केस जो कि यहां पे इन्वॉल्व हो जा रहा है। देखिएगा कि ये है हाइड्रोक्सिल अमीन और इसमें मैं स्टार लगा दिया हूं जीसीएटी ट्रांजिशंस के लिए, कि एमएमएस में क्या हो जाएगा, दिस कॉजेस द जीसीएटी ट्रांजिशन। ये जो है क्या कर रहा है कि ये जो है जीसीएटी ट्रांजिशन कर रहा है, हाइड्रोक्सिल अमीन भी जीसीएटी ट्रांजिशन कर रहा है, बाकी सब चाहे ईएमएस एचएनओ टू एटीजीसी ट्रांजिशन कर रहा है। और इंटरकैलेटिंग एजेंट जहां पे कि आपके डाइज इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं इंटरकलेक्टिंग एजेंट में डाइज होते हैं, ये डाइज सारे के सारे क्या करते हैं, सारे के सारे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। जितने भी डाइज एक्रिडिन ऑरेंज प्रोफ्लेविन ईटीबीआर सब डिलीशन और आपके कॉज करेंगे या एडिशन कॉज करेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये चीजें ध्यान रखना, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और आ भी सकते हैं आपके इन फ्यूचर। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड वेद20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। With me, educating India.